फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड कोस्टर विद सबा। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये है स्ट्रीट स्टाइल सीख पराठा की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही आसानी से घर में बना के तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फूड कोस्टर राइड सबा के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चॉपर ले रहे हैं। इसके अंदर मैं आधा किलो के करीब मटन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। मटन के कीमे लेने के टाइम पे मैंने इसके अंदर 20 ग्राम के करीब चर्बी का भी इस्तेमाल किया है। अगर आप चर्बी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप 2 टेबल स्पून इसके अंदर देसी घी या बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारे कबाब जो है बिल्कुल जूसी और मॉइस्ट बन के तैयार होंगे। अब हम इसको बारीक पीसने के बाद इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाला है। 3 हरी मिर्ची को बिल्कुल बारीक काट के मैंने इसके अंदर ऐड किया है। आप हरी मिर्ची का इस्तेमाल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे भुना पिसा हुआ धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर ऐड करूंगी, यानी कि धनिया पाउडर हम डालेंगे। 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 मीडियम साइज की प्याज को मैंने चॉपर के अंदर चॉप कर लिया था, और इसका पूरा पानी निकालने के बाद इस प्याज को भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे बेसन लिया था, जिसे मैंने हल्का सा तवे के ऊपर भून लिया था। ये बेसन भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब बारीक कटा हुआ पुदीना लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1/2 मुट्ठी के करीब मैंने यहाँ पे फ्रेश हरी धनिया का इस्तेमाल किया है, इसे भी बारीक कट करके हमें इसके अंदर ऐड करना है। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब नींबू का जूस ऐड करेंगे। तो सारे मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हाथों की मदद से हमें इसे बहुत अच्छी तरह से कीमे के साथ मिक्स करना है, और जब हमारा कीमा मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम ढक्कन ढक के इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप इसे 1/2 घंटे के लिए तो रेस्ट करने के लिए जरूर छोड़िए। तो जब तक कि हमारा कीमा रेस्ट कर रहा है, हम यहाँ पे पराठे की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब गेहूं का आटा लिया है, और 1 कप के करीब ही मैं यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो पूरी तरह से मैदे या गेहूं के अंदर भी पूरी को तैयार कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर तेल का इस्तेमाल करूंगी। तेल को आटे के अंदर डालने के बाद हमें अच्छे से आटे को तेल के साथ मिक्स करना है, और जब तेल अच्छे से आटे में मिक्स हो जाएगा तब हम इसके अंदर पानी डाल के आटा गूंदना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि आटा ना ही तो हमें बिल्कुल सख्त गूंदना है, ना ही तो हम आटे को बिल्कुल नरम गूंदेंगे। मीडियम तरीके से हम अपने डो को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है। अब मैं इसके ऊपर 1 टीस्पून के करीब तेल डाल रही हूँ। इसे हम चारों तरफ से आटे के कोट कर देंगे, और इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के कपड़े से रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1/2 घंटा हो चुका है। हमने फ्रिज से अपने कीमे के बैटर को निकाल लिया है। अब हम इसे कोयले का भाप देंगे। तो यहाँ पे मैंने बीच में एक छोटा सा वेल तैयार किया है। इसके ऊपर मैं एल्युमिनियम की कटोरी रख रही हूँ, और इसके अंदर हम जलता हुआ कोयला रखेंगे, और 2 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो तेल से भी इसे भाप दे सकते हैं। 5 मिनट के लिए हम इसे कवर करके भाप में छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे निकालेंगे, और हमारा सीख कबाब का जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार है, और हम सीख कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे।
तो एक मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे अब मैंने एक कटोरी के अंदर पानी लिया है। पानी को हल्का सा हाथ में लगाने के बाद मैं यहाँ पे सीक बनाना स्टार्ट करूँगी। सीक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास चॉपस्टिक नहीं है तो आप किसी भी पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेंसिल को अच्छी तरह से धो लीजिएगा। या तो अगर आपके पास सीक बनाने की सलिया है तो आप उसका भी इस्तेमाल करके सीक को तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सारे सीक को तैयार कर लिया है, इसे हम साइड में रखेंगे। और जो आटे को हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ा था उसे हम निकालेंगे और इसे एक मिनट के लिए हम और गूंदेंगे। एक मिनट गूंदने के बाद हम इसकी लोइयां बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ 2 कप आटे से हमने 4 लोइयां बना के तैयार की है। अब हम इसे बेल लेंगे और हमें इसे बिल्कुल पतला या बिल्कुल मोटा नहीं बेलना है, मीडियम साइज में हम इसे बेल के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे किस तरह से बेल के तैयार किया है। इसी तरह से हम 4 चपाती को तैयार कर लेंगे। अब तवे को गर्म करने के बाद हम इसे अच्छे से दोनों तरफ से 1-1 मिनट के लिए सेक लेंगे। हमें इसे पूरी तरह से नहीं पकाना है, बस इस तरह से हल्का हल्का इसके ऊपर निशान आ जाए, एक तरफ से 1 मिनट के लिए, दूसरी तरफ से 1 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। तो 4 चपाती को हमने सेक लिया है, अब हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस के ऊपर पैन को रख दिया था। तेल हमारा गर्म हो चुका है, मीडियम फ्लेम पे हम पूरियां तलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी पूरियां जो है वो दोनों तरफ से हमने फ्राई कर ली है और इसी तरह से हम 4 पूरियों को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो पूरियां हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम जो सीख कबाब को हमने बना के रखा था उसे भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून के करीब पैन के अंदर तेल डाला है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम पे रखनी है और मीडियम फ्लेम पे हम सारे सीख कबाब को फ्राई करके निकालेंगे। यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से हमें इसे चारों तरफ से टर्न करके पकाना है और जब तक के हमारे जो कबाब है वो गोल्डन ना हो जाए तब तक के हम इसे पकाएंगे। इसे लगभग 3 से 4 मिनट लगेगा पकने के लिए, बहुत जल्दी ही बनके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मटन सीख कबाब है वो बिल्कुल बनके तैयार है, अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो मैं इसे यहाँ पे हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ। और यहाँ पे जो हमारा स्ट्रीट स्टाइल सीख पराठा है वो बनके बिल्कुल तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी ये बनके तैयार होता है, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हो सके तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।